हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की जो वैकेंसी रिलीज़ होती है एसएससी की ओर से, तो इसमें जो स्किल टेस्ट होता है दोस्तों, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वो स्टेनोग्राफर के लिए क्या होता है, अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th पास इसके लिए मांगा जाता है। ठीक है, 12th पास जो है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल होते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि एसएससी की ओर से आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो लिया जाता है। ठीक है, सीबीटी आपका लिया जाता है, 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर आप देते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाते हैं 0.25 करके। ठीक है, तो जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है यहाँ पर स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए होता है, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टीनोग्राफी। तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा स्किल टेस्ट फॉर स्टीनोग्राफी के लिए, उनको यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन दिया जाएगा कैंडिडेट्स को फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश या फिर हिंदी। 10 मिनट्स के लिए आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, एक डिक्टेशन आपको दिया जाएगा 10 मिनट के लिए इंग्लिश या फिर हिंदी में, जो भी आपने मतलब चूज़ किया होगा, ऑप्ट किया होगा इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करोगे ना इसके लिए, उस टाइम पर जो भी आपने ऑप्ट किया होगा, मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी के लिए आपने चूज़ किया होगा, उसी में आपको यहाँ पर जो है वो आपका डिक्टेशन रहेगा। ठीक है, 10 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे आपको। और यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट आपको जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखा जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो ग्रेड सी की पोस्ट के लिए 100 वर्ड पर मिनट देखा जाएगा और 80 वर्ड पर मिनट जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी यहाँ पे देखिए 80 वर्ड पर मिनट देखा जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। ओके, यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर। तो ये सारा जो है यहाँ पे कंप्यूटर पे होने वाला है। और नीचे यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट रहेगा इंग्लिश, टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स का और आगे यहाँ पर 70 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा जो पीडब्ल्यूडी वाले होंगे। ठीक है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इसी तरह से स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो आगे हिंदी कहा गया है, मतलब ये जो लैंग्वेज ऑफ अगर आपने चूज़ की होगी हिंदी, ठीक है, ड्यूरिंग द जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल किया होगा उस टाइम अगर हिंदी आपने चूज़ किया होगा और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो आपको टाइम मिलेगा 65 मिनट्स का और बाकियों को यहाँ पे 90 मिनट्स का। ठीक है, मतलब जो पीडब्ल्यूडी वाले होंगे। इस तरह से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा और इंग्लिश आपने लैंग्वेज चूज़ की होगी तो यहाँ पे आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किया होगा और हिंदी लैंग्वेज चूज़ की होगी तो 55 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। ओके, और नीचे क्या लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी। जिन्होंने भी यहाँ पे चूज़ किया होगा कि भाई वो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट है वो हिंदी में देंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी। तो उनको यहाँ पे हिंदी में तो आपने चूज़ किया है कि भाई आप जो है स्टेनोग्राफी टेस्ट हिंदी में दोगे, लेकिन आपको इंग्लिश जो स्टेनोग्राफी है वो भी आपने सीखनी है दोस्तों। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और अगर आपने जो यहाँ पे टेस्ट है वो आपने चूज़ किया है कि आप इंग्लिश में दोगे तो आपको हिंदी स्टेनोग्राफी जो है वो सीखनी पड़ेगी आपको, जब आपकी मतलब जॉब वगैरह लगेगी तो उसके बाद भी आपको ये सीखनी ही सीखनी है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, फेलिंग विच दियर प्रोविजन मे नॉट बी क्लियर बाई अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, कैंडिडेट्स हैव टू वर्क एज इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर ऑफिस इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो देखिए जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है,
तो उसमें आपको ये जो भी आपने चूज़ की होगी लैंग्वेज, उसके अलावा जो अदर लैंग्वेज होगी वो उसमें आपको स्टेनोग्राफी सीखनी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे जो है मे नॉट बी क्लियर, ठीक है, फिर आपकी यहाँ पर जो मतलब आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो यहाँ पे विल बी हेल्ड एट द कमीशन रीजनल ऑफिसेज में यहाँ पे होने वाला है, या फिर जो भी कमीशन डिसाइड करेगा वहाँ पर ये आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उसके बाद ये स्किल टेस्ट होगा, और ये आपको ज़रूरी देना ही देना होता है अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो डिटेल इंस्ट्रक्शंस इफ़ एनी रिगार्डिंग स्किल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन, जो रीजनल ऑफिसेज होंगे कमीशन के उनकी ओर से जो है डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग में टू द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट, उन कैंडिडेट्स को जिनको यहाँ पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी जो हेल्प इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर आप प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।